हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियल्स। दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हम लोगों ने बेसिक टू टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन कवर करे थे हमने सबसे पहले। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कवर किया था और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले होता क्या है? बेसिकली अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है बताइए। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है पहले ये बताओ। ऑनर बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। अब अगर ऑनर बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में उस कैपिटल के बदले में अगर वो बिजनेस से इंटरेस्ट मांगे, इंटरेस्ट डिमांड करे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑनर और बिजनेस सेपरेट है। तो ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, अब वो बिजनेस से बदले में क्या डिमांड कर रहा है? बिजनेस से बदले में डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट। तो अब ये इंटरेस्ट जो होगा ये कैपिटल के ऊपर बिजनेस पे करेगा ऑनर को, इसलिए इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट होता है ये एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का ही पोर्शन होता है जो मालिकों को दिया जाता है। हाँ जी, चलिए अब जरा शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी जनरल एंट्री बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी जनरल एंट्री लिख लीजिए और फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर मुझे बताने हैं आपको जो याद रखने हैं, और फिर एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो इसकी जर्नल क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो जर्नल एंट्री होंगी। सबसे पहले तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन, हमने उसकी क्लास ली थी तो उसके अंदर कवर किया था। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो एंट्री क्या होगी? देखिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री आपको साथ साथ कवर करनी है सारी, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री होती है कैपिटल की, तो वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Being interest provided to कोई बात नहीं, अगर किसी ने ये जनरल एंट्रीज नहीं की थी पहले या अगर किसी को समझ नहीं आई थी तो अब हो जाएगी, कोई बात नहीं, अब कवर कर लेना। और साथ साथ जब हम फुल फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे पार्टनर कैपिटल के, एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल, तो आपको ये जनरल एंट्री 100% क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल आप लोग लिख लो इसको। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा मुझे आप लोग बताइएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? अगर डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए तो बताइए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अगर डीड साइलेंट है तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कुछ पॉइंट बताता हूं और वो लिखते जाइएगा इसको, पॉइंट टू रिमेम्बर लिख लीजिएगा पीटीआर। सबसे पहला पॉइंट टू रिमेम्बर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always charged interest on capital is always charged from the opening balance of capital, from the opening balance of capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है चार्ज होना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा उसके थ्रू आएगा। ठीक है, तो अब आप पहले ये लिख लीजिए पॉइंट टू रिमेम्बर, और एक पॉइंट टू रिमेम्बर और है, कैपिटल एट बिगिनिंग कैसे निकालते हैं ये भी साथ साथ लिख लो, फिर हम लगातार क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट बिगिनिंग, अगर हमें कभी कैपिटल एट एंड दिया हो तो कैपिटल एट बिगिनिंग कैसे निकालेंगे।
अभी आपको जब तक मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा तब तक कुछ ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। फिलहाल आप लिख लो जल्दी। लिखिएगा बेटा। कैपिटल दो टाइप की होती हैं, एक होती है फ्लक्चुएटिंग और एक होती है फिक्स्ड। सबसे पहले लिखिएगा कैपिटल एट एंड, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स सिर्फ इसमें, फ्लक्चुएटिंग मेथड में इसमें नहीं होगी। माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे नेट लॉस, अगर लॉस है तो प्लस हो जाएगा, इसमें फिक्स्ड वाले में नहीं होगा सिर्फ फ्लक्चुएटिंग वाले में। इसके अलावा हम प्लस कर देंगे परमानेंट विड्रॉ, परमानेंट विड्रॉ को प्लस कर देंगे, ये इसमें भी होगा, और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हमारा माइनस हो जाएगा, ये दोनों में होगा। दो चीजें और हैं, हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको माइनस कर देंगे, और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये लिख लीजिए जल्दी। सबको करने के बाद हमारा फाइनली निकल के आएगा कैपिटल एट बिगिन। ये फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है ये आने वाली क्लासेस में क्लियर होगा, अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना नाम याद रख लो कि फिक्स्ड होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला राइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल एट बिगनिंग निकालने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। चलिए बच्चों, अब इसको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े थोड़े से। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना फटाफट से। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको निपटाते हैं दो तीन क्वेश्चन और फिर मैं कैपिटल एट एंड वाले कराऊंगा, ये टॉपिक खत्म। चलिए देखिए, सबसे पहले आप मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाना, रफली निकालेंगे और जल्दी जल्दी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बेटा, हम जब इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो बैंक वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बैंक कैसे इंटरेस्ट लगाता है? बैंक एक छोटा सा काम करता है, बैंक जितने पैसे हमारे बैंक में होते हैं और जिस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास पैसे बैंक में होते हैं, हमारे पैसे जितने टाइम के लिए बैंक में होते हैं सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए सितंबर में और नवंबर में निकाल लिए, नवंबर में निकाल ली, तो बैंक मुझे जो इंटरेस्ट देगा वो सिर्फ सितंबर और अक्टूबर और नवंबर मंथ का देगा, बस नवंबर एंड में अगर मैं निकाल लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट करे हैं और उसमें से नवंबर एंड में 30,000 रुपीज वापस निकाल लिए, अब आप बताइए बैंक कितने पे इंटरेस्ट देगा? बैंक 1 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट देगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का, 3 मंथ्स का। उसके बाद मैंने 30,000 निकाल ली, अब कितने बचे बैंक में बताइए? अब बैंक में बचे 70,000 रुपीज। अब बैंक इंटरेस्ट जो देगा वो 70,000 रुपीज के ऊपर देगा रिमेनिंग पीरियड का, आगे आने वाले टाइम का, ऐसे ही होता है। तो जितने पैसे हमारे बैंक में होते हैं उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे और इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं 26 क्वेश्चन की, फटाफट से करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी का कैपिटल बैलेंस गिवन है, अब उसको यूटिलाइज करना है। ये लीजिए, तो 1 अप्रैल 2011 को हमें ए और बी का कैपिटल बैलेंस गिवन है। 2011 1 अप्रैल, ए 50,000, बी 40,000, ये इनका कैपिटल बैलेंस है। आगे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2012
2011 ए ने अपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगा दी, जो पैसा था इसके अलावा और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और बी ने भी इन्वेस्ट कर दिया 1000 रुपीज। ठीक है, अब आपको कह रहा है इंटरेस्ट निकालो, हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च को क्लोज होता है और इंटरेस्ट निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ये रहा इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए का इंटरेस्ट निकालेंगे, बताना, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, निकालो जरा ए का इंटरेस्ट कैसे आएगा। देखो कौन सा पैसा कितने टाइम तक रहा उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 50,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितने महीने का, अप्रैल मई जून। 50,000 3 मंथ के लिए बैंक में थे, एक तरीके से समझ लो बिजनेस में थे, तो 3 मंथ का 50,000 के ऊपर लग गया इंटरेस्ट। उसके बाद 10,000 और आ गए, बताओ कितने बन गए, 60 बन गए। अब टोटल बिजनेस में पैसा कितना है, 60,000, तो अब इंटरेस्ट लगेगा 60,000 रुपीज के ऊपर 10% कितने मंथ का, जुलाई से लेके मार्च तक, गिनो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का। तो कौन सा पैसा कितने टाइम तक रहा उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। 50,000 लगाए थे, 3 मंथ तक थे वो हमारे बिजनेस में, उसके बाद हमने 10 और लगा दी, अब 60 हो गए टोटल बिजनेस में। तो जुलाई से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 60,000 रुपीज के ऊपर मिलेगा। अब मुझे जरा जल्दी से बता दो कितना अमाउंट निकल के आएगा। तो 50,000 का 10% 3 मंथ का, प्लस 60,000 का 10% 9 मंथ का, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। हाँ वेरी गुड जी, 5750, 5750 ये आ गया। अब बी की बात करते हैं, बी का इंटरेस्ट निकालते हैं, बी का इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ। 40,000 रुपीज बी ने लगाए हैं, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बताओ बी के बिजनेस में कितने मंथ तक रहे 40,000, सिर्फ 3 मंथ तक। उसके बाद 1,000 उसने और लगा दिए, फिर बिजनेस में कितने पैसे हो गए, 41,000। तो 40,000 रुपीज के ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद 1,000 और लगा दिए, 41,000 हो गए, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कितने मंथ का, बाकी के 9 मंथ का। बताओ जी टोटल कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ 4075, वेरी वेरी गुड, 4075। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी करो, इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, तो आपको इसको और तरीकों से भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने ये वो मेथड बताया है जिसमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं 28 क्वेश्चन जब कराऊंगा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैंने वो मेथड बताया। ठीक है, तो जरा जल्दी से करो, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस हिसाब से बैंक इंटरेस्ट देता है हमें, हम उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, बैंक वाला मेथड लगाएंगे, कौन सा पैसा कितने टाइम तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ प्रैक्टिस करो, कॉपी वॉपी करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस करिए, वो ज्यादा सही रहेगा। 27 क्वेश्चन करना है, ध्यान देना 27 क्वेश्चन, इसके बाद कैपिटल एट बिगिनिंग और ये टॉपिक खत्म। देखिए 27 क्वेश्चन, राम लखन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी 2011 को राम और लखन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए के साथ। राम लखन, ये लीजिए, 1 जनवरी 2011 को बिजनेस स्टार्ट किया, राम ने 1,20,000 रुपीज लगाए हैं कैपिटल के, और लखन ने 80,000 लगाए। अब देखो ये कैपिटल एट बिगिनिंग है, ऑलरेडी गिवन है, हमें दोबारा से बिगिनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये कैपिटल एट बिगनिंग दी हुई है, कह रहा है राम ने इंट्रोड्यूस करा 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल, राम ने 50,000 रुपीज अपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाया, और उसकी ड्राइंग दी हुई है 20,000 रुपीज, उसकी ड्राइंग दी हुई है 20,000 रुपीज। तो इस ड्राइंग का हमें कुछ नहीं करना, ड्राइंग अगेंस्ट अगर कैपिटल होती तो उसका यूज होता। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या ये नॉर्मल ड्रॉइंग क्या होती है, तो वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, पहले आप लोग इसको देख लो। राम ने 1 जुलाई को 50,000 रुपीज लगाए, और स्टार्टिंग में उसने 120 लगाए थे, और इंटरेस्ट का रेट है 15%, हमें दोनों का इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, लखन ने कोई पैसा नहीं लगाया बिजनेस में, 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड होगा, बताइए इंटरेस्ट निकालना है कैसे निकलेगा। वही सेम तरीका, 1,20,000 रुपीज का इसके ऊपर 50% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितने मंथ्स का, जैन से लेके जून तक, 6 मंथ्स का। उसके बाद 50,000 उसने और लगा दिया, तो अब टोटल कितना हो गया, 170। अब 170 के ऊपर लगेगा 15%, 6 मंथ्स का, रिमेनिंग 6 मंथ्स का। तो स्टार्टिंग में 120 था, उस पर 15% लगा 6 महीने का, उसके बाद 50 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 170। अब उसके ऊपर लगेगा फिर से 15% 6 मंथ का, बताइए टोटल कितना होगा।
120 इस पे 15%, उसके बाद 170 इस पे 15%, टोटल हो गया 21,750। ऐसे ही सेकंड वाले का कर लेते हैं। लक्ष्मण ने तो सीधा सीधा 80,000 रुपीज लगाए हैं पूरे साल, और बीच में और कोई पैसे नहीं लाया, तो पूरे 12 out of 12 months का लगेगा, ठीक है। तो 80,000 का 15% सीधा 12,000 रुपीज आएगा। ये लीजिए, करिए जल्दी जल्दी कर लो इसको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट करो। देखिए अब एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड, फिर आ जाएंगे हम कैपिटल एट बिगिनिंग के ऊपर, एंड वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखिए और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फर्क। ये लीजिए ध्यान से देखना, 28th, सलोनी और सृष्टि, आई थिंक इसका आंसर गलत है, कुछ बच्चे बता रहे थे, इसका आंसर कट कर देते हैं, हम अपना कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म, दो पार्टनर हैं, इनका 1 अप्रैल को बैलेंस है कैपिटल का 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज। तो सलोनी ने 2 लाख रुपीज लगाए हैं बिजनेस में और सृष्टि ने 3 लाख रुपीज लगाए हैं। 1 जुलाई को सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000 एंड सृष्टि 60,000, दोनों ने एडिशनल कैपिटल लगाई है। ऑन 1 अक्टूबर सलोनी विड्रू 30,000 एंड ऑन 1 जनवरी सृष्टि विड्रू 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। इंटरेस्ट 8% के हिसाब से देना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब आप जरा ध्यान से देखना, ये लीजिए इसका डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। सलोनी और सृष्टि, ये लीजिए, ये है हमारा 1 अप्रैल 2016, और सलोनी ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है और सृष्टि ने भी। इन दोनों की कैपिटल है, इनकी है 2 लाख रुपीज और इनकी कैपिटल है 3 लाख रुपीज। कैपिटल हमें मेंशन है, कह रहा है 1 जुलाई, 1 जुलाई को सलोनी ने 50,000 रुपीज लगाए हैं एंड सृष्टि ने 60,000 रुपीज लगाए हैं। तो दोनों के पैसे हमें मेंशन है, कितना कितना और पैसा लगा रहे हैं। और 1 अक्टूबर को सलोनी विड्रू कर रही है 30,000 रुपीज अपने बिजनेस में से, और 1 जनवरी को सृष्टि विड्रू कर रही है 15,000 रुपीज अपने बिजनेस में से। 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, आपको सिर्फ एक सिंपल सा डायलॉग रखना है, कौन सा पैसा कितने टाइम तक रहा, ठीक है, हमें इंटरेस्ट लगाना है पैसे के ऊपर, ठीक है जी। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले देखना सलोनी का, आप लोग अपना करिए, मैं अपना कर रहा हूं। देखो सलोनी ने 2 लाख रुपीज लगाए हैं बिजनेस में, 8% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये 2 लाख रुपीज बिजनेस में कितने टाइम पीरियड तक रहे, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स तक। उसके बाद वो 50 और ले आया, तो अब बिजनेस में और ले आई सॉरी, तो बिजनेस में टोटल कितना अमाउंट हुआ, 250। इसके ऊपर अगेन 8% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितने मंथ्स का, जुलाई अगस्त सितंबर, सिर्फ 3 मंथ्स का। उसके बाद उसने बिजनेस में से 30,000 निकाल ली। अब आप बताओ 2,50,000 में से 30,000 निकल गए, कितने बच गए, 2,20,000। इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ कितने मंथ्स का मिलेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप चेक करिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो अब आप बताइए इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होके आएगा इसका, अगर हम टोटल इंटरेस्ट निकाल ले तो 2 लाख रुपीज का 8% इंटू 3/12, 2,50,000 का 8% इंटू 3/12, 2,20,000 का 8% इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 17,800, इसका आ गया 17,800। अब सृष्टि की बात करते हैं, सृष्टि का देखो, सृष्टि का कितना आएगा, सृष्टि ने 3 लाख रुपीज लगाए बिजनेस में, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, कितने मंथ्स का, सेम वही 3 मंथ्स का। उसके बाद वो 60 और ले आई, 360 हो गया, इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलेगा इसको, लेकिन कितने मंथ्स का, जरा ध्यान देना, 3 लाख पहले लगाए थे, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिला, उसके बाद 60 और आ गए, अब 360 हो गए। अब बिजनेस में ये 360 कब तक रहे, जनवरी तक रहे, क्योंकि जनवरी में जाकर वो पैसे निकाल रही है। तो आप हिसाब लगाओ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स सॉरी, जुलाई अगस्त सितंबर
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फर्स्ट में तो वो निकाल ही रही है ना, टोटल 5 और 1 6, तो 6 मंथ्स हुए। उसके बाद उसने 15,000 निकाल लिए, तो अब आप बताइए 360 में से 15,000 चले गए तो कितना बच गया, ये बच गया 345। तो 345 का 8% कितने मंथ्स का, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। अब आप बताइए टोटल कितना अमाउंट आएगा, देखिए 3 लाख रुपीज का 8%, 3 मंथ्स का, 360 का 8%, 6 मंथ्स का, 345 का 8%, 3 मंथ्स का, तो 273 समथिंग आएगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है 27,000 आएगा, 27,300 आएगा, 27,300 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है जी। तो देख लो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है एक का, इसको ठीक कर लेना प्लीज, 27,300 आएगा, ये है हमारा आंसर। अब आप चेक कर लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना है, और ये वाला जो मैंने मेथड बताया ये याद रखना है, कौन सा पैसा कितने टाइम तक रहा, इंटरेस्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कितने टाइम पीरियड तक हमारे पास पैसा रहेगा। इसके बाद अब एक नेक्स्ट टाइप, अगर हमें कैपिटल एट एंड दी हो और इंटरेस्ट निकालना हो, तो पहले हमें बिगनिंग निकालनी पड़ती है, फिर इंटरेस्ट निकालना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एट एंड दिया होता, ईयर एंड में कैपिटल दी होती, तो पहले हम क्या करते, बिगनिंग वाली कैपिटल निकालते, ये कैपिटल निकालते और फिर इंटरेस्ट लगाना शुरू करते। जैसे लगा रहे हैं, लगाया है हमने इस क्वेश्चन में, ऐसे ही लगता है इंटरेस्ट, लेकिन पहले हमें एक स्टेप और करना पड़ता और वर्किंग नोट में इसकी कैपिटल एट बिगनिंग निकालनी पड़ती है, रफली निकालनी पड़ती है, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट निकालते, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, इसके बाद शुरू करते हैं वो वाला जिसके अंदर कैपिटल एट एंड दिया हो, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, ये रहा, देखो जरा। पहले हम कैपिटल एट बिगनिंग निकालना सीख लेते हैं, कैसे निकलेगी कैपिटल एट बिगनिंग, ये रहा क्वेश्चन। अब देखिएगा जरा जल्दी से, कैपिटल एट बिगनिंग कैलकुलेट करनी है हमें। देखिए, ए बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वर 7 लाख 6 लाख, इन दोनों की कैपिटल दी हुई है, बट ये जो कैपिटल है ना, ये एंड है, कैपिटल एट एंड। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। तो आइए जरा शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट और जोड़ देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे 2 डिफरेंट केसेस में, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं केस जोड़ देता हूं, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो, और अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो, ठीक है, दोनों केसेस में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, ए बी, और ए बी, ये दोनों में अलग अलग मैंने नाम लिख दिया, ये 2 डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में हम निकालेंगे इसकी कैपिटल, ठीक है। तो एक मिनट जरा प्रॉपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ये लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये वाला हमारा मेथड फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ए बी। अब सबसे पहले यहां पे हमें लिखनी है कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड कितनी दी हुई है, ए की 7 लाख, बी की 6 लाख, इसमें भी ए की 7 लाख, बी की 6 लाख, इन दोनों की कैपिटल एट एंड दी हुई है हमें। अब हमें करना क्या है, वही सेम, कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है, हमारा कैपिटल एट बिगनिंग निकल आएगा। अभी आपको लर्न करना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं और कौन कौन सी चीजें लेस होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, अब जरा ध्यान से देखना फटाफट, कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ माइनस होंगी, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एट एंड दिया हुआ है, इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा ड्रॉइंग 75,000, 50,000, ये ड्रॉइंग प्लस हो गई, यहां पे नहीं आएगी। इसके बाद
बी इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, बी की हमें एडिशनल कैपिटल दी हुई है, बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो एडिशनल कैपिटल बी की 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल फिक्स्ड मेथड में भी आती है, फिक्स्ड मेथड में दो ही चीजें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी, इसके अलावा और क्या गिवन है? इसके अलावा गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माइनस कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये माइनस हो जाएगी, कितने कितने रुपए? 15,000 और 10,000, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग में, फिक्स में कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये प्लस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये प्लस हो जाएगी ए के उसमें एंड बी की वैल्यू में, ये लीजिए ये प्लस हो गई। और लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ये एक जीरो और आएगी, 1 लाख है ये, प्रॉफिट हमें मेंशन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपी ईच, तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये भी हम एडजस्ट कर देंगे, प्रॉफिट खाली प्रॉफिट लिखो, तो प्रॉफिट इसको भी हमें एडजस्ट करना है, कितना वैल्यू प्रॉफिट है 1 लाख रुपी ईच, ये लीजिए प्रॉफिट भी फ्लक्चुएटिंग में से ही माइनस होगा, फिक्स में नहीं होगा, फिक्स में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ एडजस्ट होते हैं बस, और कुछ एडजस्ट नहीं होता। तो अब आप बताइए कितना बैलेंस निकल के आएगा हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड से और फिक्स से। फिक्स में तो ए की 7 लाख आई है, बी की 5 लाख आई है, ठीक है ये फिक्स मेथड में आई है, फ्लक्चुएटिंग में बताओ कितना निकल के आएगा। हाँ वेरी गुड, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, जरा सॉल्व कर रहा हूँ, 7 लाख प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 माइनस 1 लाख, तो 69, हाँ 667, एडिशनल कैपिटल में एक जीरो कम है, एडिशनल कैपिटल 1 लाख ही हुई तो है, ठीक है कर दो दिए एक जीरो ऐड, 7 लाख प्लस 75,000 प्लस माइनस 15,000, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है, प्लस 7,500 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया 667,500। बी का करते हैं 6,50,000 और ये ब्रैकेट है माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस प्लस 5,000 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया 445, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल एट बिगिनिंग और कैपिटल एट एंड, दोनों चीजें एंड मेंशन था, हम लोगों ने बिगिनिंग निकाल ली, इसका प्रॉपर फॉर्मूला था, कैपिटल एट बिगिनिंग हमारी आ गई, ठीक है। तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को लिखवाया, स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था, ये रहा। फिक्स कैपिटल में आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अलग से एमसीक्यू पूछा जाता है फिक्स कैपिटल चेंज कब होती है, सिर्फ दो रीजन है, परमानेंट विड्रॉ और एडिशनल कैपिटल, इसकी वजह से ये हम आगे जब फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक दो आपको, तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में तो बाकी सारी चीजें आती है, फिक्स में सिर्फ दो ही आती है, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ। अब अगर आपको ये डिटेल में समझना है कि परमानेंट विड्रॉ और ड्रॉइंग इन दोनों में क्या फर्क है, इसको हम जनरली ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये लीजिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके की, जिसमें हमें पहले इंटरेस्ट निकालना। अच्छा चलो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूँ कि हमें इंटरेस्ट निकालना है 10%, अगर मान लो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 10%, तो हमें इंटरेस्ट इन वैल्यूज का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर हमें कैपिटल एट बिगिनिंग भी निकालनी पड़े और उसके बाद इंटरेस्ट भी निकालना पड़े, ठीक है। और साथ में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में साथ साथ क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में साथ साथ हम इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट कर लेंगे, सैलरी कमीशन का ट्रीटमेंट कर लेंगे और पार्टनर रेंट, ये दो तीन छोटे छोटे ट्रीटमेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में निपटा देंगे सारे के सारे ट्रीटमेंट्स को, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और याद रखिए, जीतेगा वही जो सीखेगा, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।